क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, एक घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15% 15 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, यानी यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ द फोर वॉल लिखेंगे पहले। एरिया ऑफ द फोर वॉल इक्वल टू क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ओके, तो उस फॉर्मूले से हमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 बनाना है। 18 इम्पॉर्टेंट था, स्टार मार्क बहुत इम्पॉर्टेंट था, 19 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग अच्छा से कर लेना, लेकिन 18 बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो 19 बनाते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रीथ दिया हुआ है, चौड़ाई 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। ओके, तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट लिख लिए। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम। ओके, सो लिखेंगे एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 into लेंथ है मेरा 15 इन प्लस ब्रीथ है 10 इंटू हाइट दैट इज 5। ओके, सो यहाँ होता है 2 into यहाँ 5, 225 इंटू 5 दैट इज 2 into 25 इंटू 5। ओके, सो यहाँ हो रहा है 250 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर है, एरिया है, सो स्क्वायर मीटर आया। ये मेरा एरिया ऑफ द फोर वॉल निकला 250 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें सब में 10% बढ़ा दिया गया है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों बढ़ा दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आफ्टर 10% इंक्रीज, बढ़ाने के बाद लेंथ ऑफ द रूम का लेंथ क्या होगा लेंथ रूम का। अब यहाँ हम लिखेंगे लेंथ 15 है, अब 10% बढ़ गया है, तो 15 का ही तो 10% बढ़ेगा, सो 15 इंटू 10/100। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे 15 into 10/100, इसका 10% बढ़ा, 15 का ही 10% बढ़ा है, और अब कितना हो गया है तो ये हमें लेंथ से निकालना होगा। सो 10 से 10 कैंसिल, 3 5s are 15, 2 5s are 10, सो 15 प्लस 3/2 दैट इज 33/2, ये मीटर हुआ 33/2। ये इंक्रीज करने के बाद लेंथ हो गया मेरा 33/2। इसी तरह हम ब्रीथ निकालेंगे। ओके, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ द फोर वॉल इक्वल टू 250 एंड लेंथ 10% इंक्रीज करने के बाद जो मेरा निकला था 33/2 मीटर। ओके, अब ब्रीथ निकालेंगे। ब्रीथ आफ्टर 10% इंक्रीज इक्वल टू, उसी तरह से निकलेगा, ब्रीथ पहले मेरा कितना दिया हुआ है, ब्रीथ है मेरा 10 है। ठीक है, तो 10 plus 10 into 10 plus 10 into 10/100, क्योंकि 10% बढ़ रहा है और ये 10 यहाँ पे ब्रीथ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी 10 plus 1 दैट इज 11 मीटर, ये मेरा ब्रीथ 10% इंक्रीज करने के बाद ब्रीथ हुआ।
ठीक है। अब इसी तरह हम लिखेंगे हाइट का भी, हाइट आफ्टर 10% इंक्रीज इक्वल टू, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, सो यहां लिखेंगे 5 + 5 × 10/100, ठीक है। तो देखो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 5 × 2 = 10, सो 5 + 1/2, ठीक है, 5 + 1/2 दैट इज यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 2, 10 + 1 दैट इज 11/2 मीटर, ठीक है। ये मेरा हाइट निकला, ये 10% इंक्रीज करने के बाद लेंथ निकला 33 by 2, ब्रेथ निकला 11 मीटर और हाइट निकला 11/2 मीटर, ठीक है। ये तीनों निकल गया, तो अब फिर हम एरिया निकालेंगे, सो लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ द 4 वॉल, एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ रूम आफ्टर इंक्रीज इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ, लेंथ है मेरा 33/2 प्लस ब्रेथ है 11 इंटू हाइट है 11/2, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे 233 + 22 × 11/2, ओके। तो ये मेरा ये 22 है, तो यहां निकला 2 × 55/2 × 11/2, ओके। दैट इज ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 55 × 11 हो गया 605 by 2, इतना आया स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर लिखेंगे, इतना स्क्वायर मीटर आया 605 by 2, ये एरिया ऑफ द 4 वॉल आफ्टर इंक्रीज है, आफ्टर 10% इंक्रीज है, ठीक है। अब ये मेरा बढ़ा हुआ है इतना, तो अब हम ओरिजिनल एरिया से कितना मेरा बढ़ा है ये हम निकाल लेंगे, ओके। सो हम लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम, रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बढ़ने के बाद 605/2 आया था बढ़ने पे, और ओरिजिनल मेरा एरिया आया था 250, ओके। तो इससे हम माइनस करेंगे तभी तो मेरा कितना इंक्रीज हुआ है ये मिलेगा, सो इतना स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 2605 - 500, ठीक है, स्क्वायर मीटर दैट इज 105/2 स्क्वायर मीटर, ये मेरा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इंक्रीमेंट इतना आया कि 4 वॉल का इंक्रीज कितना हो गया है। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सो हम लिखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज ऑफ एरिया इक्वल टू, इंक्रीज कितना है 105/2 बाय ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना था 250 × 100%, ठीक है। तो 105/2 × 250 हुआ × 100%, ठीक है। देखो आप यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 से यहाँ देखो 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 5 से यहाँ पे 5 × 2 = 10 एंड 5 × 1 = 5 दैट इज 21, ओके। सो 21% मेरा परसेंटेज इंक्रीज एरिया ऑफ द 4 वॉल हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल, ओके।
तो हम यहां लिखेंगे कि एरिया विल बी 21% इंक्रीज आफ्टर इंक्रीजेस ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आंसर. ठीक है, दैट इज द आंसर. ओके, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में दिया हुआ है वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में 20% छात्र 100 मीटर की दौड़, 15% छात्र 200 मीटर की दौड़ और 10% छात्र लंबी कूद में भाग लिए हैं. 5% छात्रों ने तीनों में भाग लिया है और विद्यालय में टोटल छात्र हैं, छात्रों की संख्या है 780. ठीक है, 780 है. तो कितने छात्रों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया ये बताना है. किसी भी विद्यार्थी ने एक साथ दो खेलों में भाग नहीं लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पे 780 है. ओके, तो इस 780 से ही हमें निकालना पड़ेगा कि कितने कितने 100 में, कितने 200 में और कितने दोनों में भाग लिए हैं. ठीक है, लंबी कूद में और तीनों में कितने भाग लिए हैं. तो हम चलो निकालते हैं, इसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 780 है. ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि इसमें कितना 20% छात्र 100 मीटर में दौड़ लगाए हैं. तो ये हमें लिखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन 100 मीटर रेस इक्वल टू दिया हुआ है 20%. ठीक है, तो 20% का हम यहाँ पे निकालेंगे 780 इंटू 20 बाई 100. 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, दैट इज यहाँ निकला 156. ठीक है, तो ये निकला मेरा 100 मीटर रेस में कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है. अब यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन 200 मीटर रेस. 200 मीटर रेस में दौड़ में कितने भाग लिए हैं ये हम निकालेंगे. कितना परसेंट दिया है, 15%. ठीक है, 15% दिया है. तो अब 780 से हम निकाल लेते हैं. सो 780 टोटल स्टूडेंट इंटू 15 बाई 100. 10 से 10 कैंसिल, 2 5 10, 3 5 15. 2 से यहां देखो आप लोग कट जा रहा है, 2 3 6, 2 9 18, दैट इज कितना आया यहाँ पे 117. ठीक है, 117 आया. ये हो गया मेरा 200 मीटर रेस में. अब यहाँ लिखेंगे कि लॉन्ग जंप में, लंबी कूद में 10% छात्रों ने भाग लिया है. तो ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन लॉन्ग जंप, लंबी कूद में कितने स्टूडेंट मेरे भाग लिए हैं वो है 10%. ठीक है, तो 10% 780 का 10% कितना होगा, 10 बाई 100. ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल. ओके, तो यहाँ पे निकला 78. ठीक है, 78 स्टूडेंट लॉन्ग जंप में भाग लिए थे. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीनों में 5% भाग लिए हैं, ये हमें ये भी निकालना है. तो हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट
taking part in all three game. तीनों गेम में कितने प्रतिशत भाग लिए थे? 5%. ओके, 5%. तो 5% का हमें यहाँ निकालते हैं 780 × 5/100. ठीक है, सो 10 से 10 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 3 × 9, दैट इज यहाँ 39 निकला. ओके, 39 निकला. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन तीनों गेम में 5% भाग लिए हैं, ये मेरा निकल गया 39. ठीक है, सबका निकल गया. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने छात्र भाग नहीं लिए हैं, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो, ये जो दिया हुआ है कि तीनों में 39 भाग लिए हैं, तो यहाँ मेरा दिया है कि 100 मीटर रेस में 20%, दैट इज 156 भाग लिए हैं, तो इसमें से 39 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा निकलेगा कि 100 मीटर रेस में कितने भाग लिए हैं. ओके, तो हम ये लिखेंगे, माइनस करना होगा यहाँ पे. सो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन 100 मीटर रेस इक्वल टू 156 आया था और तीनों में भाग लिए थे 39, सो 156 माइनस 39, ठीक है, दैट इज 117, क्योंकि तीनों में तो ये भाग लिए हैं, इसमें 100 मीटर रेस में भी भाग लिए हैं, तो मेरे 100 मीटर रेस में कितने भाग लिए हैं ये हमें यहां से निकल गया. उसके बाद फिर उसी तरह लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन 200 मीटर रेस, तो 200 मीटर रेस में कितना निकला था, 117 निकला था, 117 माइनस 39 तीनों में जो भाग लिए हैं, तो यहां कितना निकला, 78. ठीक है, उसी तरह यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लॉन्ग जंप में कितना भाग लिए थे इन लॉन्ग जंप में कितना भाग लिए थे, लॉन्ग जंप मेरा निकला था 78 माइनस 39 करेंगे, तो यहाँ कितना आया, 39. ठीक है, ये तीनों में निकल गया. अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों कितने छात्रों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया है, ये हमें निकालना है. तो यहां लिखेंगे कि सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जो भाग नहीं लिए हैं, वो हमें निकालना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या जो भाग नहीं लिए हैं, किसी भी गेम में भाग नहीं लिए हैं, हु डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी गेम, या फिर ऑल थ्री गेम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी गेम इक्वल टू टोटल आया कितना है, 780 है. ठीक है, माइनस टोटल से अब 39 तीनों में भाग लिए थे, वो हम 39 लिखेंगे तीनों में जो भाग लिए हैं. उसके बाद अब जो आया कि 100 मीटर में कितना लिए हैं, तो यहाँ 100 मीटर वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे निकालना है जो नहीं लिए हैं. ठीक है, तो नहीं लेने के लिए पहले तो ये जो भाग लिए हैं उनका ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा जो नहीं कोई किसी भी गेम में भाग नहीं लिए हैं. तो 117 प्लस 78 प्लस ये 39 जो लॉन्ग जंप में भाग लिए हैं, 39. ठीक है, ये 39 है जो तीनों में भाग लिए थे. ओके, 780 माइनस 780 माइनस 273 हुआ. ठीक है, दैट इज 507 आया. ये इतने स्टूडेंट ने भाग नहीं लिया है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मेरा आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी गेम और
ऑल थ्री गेम, ये भी लिख सकते हैं, जो कि तीनों गेम में भाग नहीं लिए हैं उसका मेरा यहाँ से माइनस करके ये आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर भी समाप्त हुआ, 20 फिनिश हो गया। सो होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए हो। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।